subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर स्टार चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे यानी हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ये आने वाले एग्जाम के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, और साथ में आप अपने लेवल को भी चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी का जो लेवल जो है कैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक अगर मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। अगर और भी अगर इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल में जाइए और वहां जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्त, शुरू करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्या कह रहा है कि लोथल कहां अवस्थित है, मतलब लोथल कहां स्थित है, लोथल कहां स्थित है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो एक नंबर का आपका क्या होगा, एक नंबर का आपका राइट आंसर यानी क्या होगा, गुजरात, यानी 100 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यानी 100 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी महाभारत किसने लिखा था। तो आपको मालूम ही होगा कि महाभारत का जो लेखक है तो कौन है, तो इसका यानी दो का यानी ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, यानी 100 होगा, वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर यानी क्या है, 100 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी चौथी बोध संगीत कहाँ हुई, जो चौथी जो बोध संगीत हुई तो ये कहाँ हुई थी। तो तीन का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरिसेन किसका राजकवि था, जो हरिसेन था तो किसका राजकवि था। तो चार का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 होगा, क्या होगा, यानी समुद्रगुप्त का, कौन, समुद्रगुप्त का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो वो कहाँ हुआ था। तो ये आपका यानी 5 का यानी जो आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 इसका राइट आंसर होगा, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था तो वो कितना था। तो 6 नंबर का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका, और यानी ऑप्शन नंबर और यानी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइस क्या कहलाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल की जो खोज आरंभ हुआ था, कब हुआ था। तो 7 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा इसका, 7 यानी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 100 यानी इसका राइट आंसर होगा, यानी 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइस क्या कहलाता है, 8वां क्वेश्चन क्या, अगर 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो 16 महाजन पदों का जो उल्लेख है जो किस ग्रंथ में, तो ये जो 8 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो 16 महाजन पदों का जो उल्लेख है तो किस में है, यानी अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइस क्या कहलाता है, मनुस्मृति की रचना किसने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो मनुस्मृति की जो रचना किया है, तो 9 का यानी राइट जो आंसर है, तो मनु ने, यानी ऑप्शन नंबर यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहपति कौन थे, ये गहपति थी तो ये कौन थे। तो ये जो है आपका 10 नंबर का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 होगा, यानी घर का मुखिया था, ये क्या था, घर का मुखिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन कि कनिष्क किस वंश का शासक था, जो कनिष्क था तो वो किस वंश का शासक था। 11 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश का, यानी कुषाण वंश का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 12वां क्वेश्चन कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जो त्रिपिटक यानी किस धर्म से संबंधित है। तो 12 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे जो प्राचीन वेद है, तो 13 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, ऋग्वेद में, यानी 2 इसका राइट आंसर है। तो क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ए फॉरगॉटन जो एम्पायर के जो लेखक है, तो यानी कौन है वो। तो 14 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी रॉबर्ट सिवेल है। तो ऑप्शन नंबर यानी और इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन के, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था। जो मार्को पोलो थे जो आए थे, तो वो किस देश से आए थे। तो 15 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। क्या है, कहाँ से आए थे, यानी इटली से आए थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेशी यात्री टर्बिनियर एक था, क्या था वो, पैसे थे, पैसे से यानी क्या था। तो यानी 16 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, 16 का यानी राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी जोहरी, क्या थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन अलावार महिला संत थी। जो निम्नलिखित में से कौन अलावार महिला संत थी। तो 17 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 100 इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे। तो 18 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी 2 होगा, क्या होगा, यानी चैतन्य थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी मीराबाई किनकी भक्त संत थी, जो मीराबाई जो थी किनकी भक्त संत थी, तो 19 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी बॉय इसका राइट आंसर होगा, यानी 19 का बॉय यानी इसका राइट आंसर हो गया कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है, तो निम्नलिखित में से बीजापुर का जो संस्थापक होगा कौन है, तो 20 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय यानी यूसुफ आदि शाह, ऑप्शन नंबर बॉय इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहर निकलवाई थी, तो ये जो किसने निकाली थी, तो जो 21 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, 21 का यानी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया, तो 22 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, जो लीलावती का जो फारसी अनुवाद किया था, तो 22 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, यानी और इसका यानी फैजी, किसने फैजी, यानी राइट ऑप्शन नंबर यानी और इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया, तो यानी 23 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो यानी क्या होगा, यानी 23 का आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी बॉ होगा, साझा ने करवाएगा, किसने करवाया था, साझा ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर यानी बॉ इसका राइट आंसर हो गया। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया, महाभारत का जो अनुवाद जो किया गया था तो किस नाम से किया गया था, यानी रज्जमनामा के नाम से किया गया था, कौन सा नाम से, रज्जमनामा का नाम से, तो ऑप्शन नंबर यानी बॉय इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खालसा सेना की स्थापना किसने किया, जो खालसा सेना की जो स्थापना किया था तो किसने किया था, तो ये जो किया था यानी गोविंद सिंह ने किया था, किसने किया था, गोविंद सिंह ने, तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका बॉय यानी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया, जो अमृतसर नगर की जो स्थापना किया था तो किस सिख गुरु ने किया था, तो यानी 100 ऑप्शन नंबर यानी 100 इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी गुरु रामदास ने किया था, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया, जो बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू किया गया था तो वो 1793 में लागू किया गया था, 1793, तो ऑप्शन नंबर यानी इसका दो यानी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1855 से 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था, ये जो बहुत बड़ा मतलब ये विद्रोह हुआ था, तो ये किसके बीच हुआ था, यानी संथालों के बीच हुआ था, तो 28 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी बो होगा, यानी संथाल के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कब आरंभ हुआ था, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह कब आरंभ हुआ था, तो यानी 29 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी बो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन, कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो जो कानपुर में जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था तो वो किसने किया था, तो 30 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो यानी नाना साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो ये कब हुआ था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो यानी 1757 ईस्वी में हुआ था, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी बो इसका राइट आंसर हो गया। अगर दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपका फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है, 32वां क्वेश्चन, कि पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था, तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब्जा कब जमाया था, यानी 1510 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर यानी बॉय इसका राइट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई यानी कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था तो यानी 1885 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, यानी बॉय इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ, जो बंगाल विभाजन किया गया था यानी लॉर्ड कार्जन द्वारा किया गया था, तो यानी कब किया गया था, तो लॉर्ड कार्जन द्वारा 1905 में किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर यानी आपका बॉय यानी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना तो हुआ था यानी कब हुआ था, 1600 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी बॉय इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी, जो पाकिस्तान शब्द थी जो किसके दिमाग की उपज थी, तो ये जो है किसका, यानी रहमत अली का था, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका, 36 का आपका ऑप्शन नंबर यानी 100 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, जो कैबिनेट जो मिशन आया था तो भारत कब आया था, तो 37 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी ए यानी ओ यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन का, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन, के भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है, तो आपको मालूम होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था,
तो इसका जो राइट जो आंसर होगा तो यानी 15 अगस्त, तो ऑप्शन नंबर यानी और इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे। तो 39 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी 39 का आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी और इसका राइट आंसर होगा, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। तो आपको मालूम हुआ कि भारतीय संविधान जो बनने में लगा था दो वर्ष अठारह दिन ऐसे कुछ लगा था, ठीक है, तो बनाने में, तो ये जो बनकर कब हुआ तैयार हुआ था, तो ये जो है 40 का जो आपका जो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी और इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1950 में ये बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स इस तरह के अगर आज वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ देखने में मिलेंगे, और अपने साथियों के साथ अपने शेयर करें ताकि आपका साथी भी वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।